हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी रात्रि के करीब करीब 1:17 पे मैं लाइव हूँ। और इस वक्त लाइव आना हमारी कोई शौक नहीं थी, बल्कि जो लोग बोलते हैं कि पवन सिंह के खिलाफ मैं बोलता रहता हूँ, आखिर पवन सिंह संतोष रेणु का क्या बिगाड़े हैं, तो इस चीज को सुन लीजिए। जितने भी जो लोग हैं जो मेरे से क्वेश्चन करते थे, विशेष करके जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, मेरे से प्रश्न करते थे ना आप लोग कि पवन सिंह को क्यों टारगेट करते हैं, पवन सिंह ने आपका क्या बिगाड़ा है, तो पवन सिंह जो घिनौना खेल मेरे साथ खेल रहा है, बहुत बहुत गलत कर रहा है वो। मैं पूरे सबूत के साथ में ऑडियो कॉल भी मैं वायरल करूंगा, कि किस प्रकार से पवन सिंह अपने गुरुओं के द्वारा मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल पे स्ट्राइक दिलवा रहा है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं वायरल करूंगा। मैं कॉल रिकॉर्डिंग वायरल में नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा। अभी मैं स्टूडियो में मैं था, मैं गीत संगीत में आप सबके लिए मैं बना रहा था, कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन आज बर्दाश्त का जो लिमिटेशन है वो क्रॉस कर गया। पिछले तीन दिन 30 अप्रैल को मेरे YouTube चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल पे पहला स्ट्राइक मारा गया था। उसके बाद 3 दिन बाद दूसरा स्ट्राइक मारा गया। उसके बाद अब तो रात्रि के, चूंकि 12 बजे के बाद हो गया, तो 9 तारीख हो गया, यानी 8 तारीख को, 8 मई को तीसरा स्ट्राइक मारा गया मेरे ऑफिशियल YouTube चैनल पे। और पवन सिंह के जो गुर्गे हैं ना, पवन सिंह के गुर्गे ने स्वीकारा भी है कि मैं पवन सिंह का आदमी हूं। मैं उसका नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, और डिस्क्लोज करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जब कॉल रिकॉर्डिंग में वायरल करूंगा तो आप खुद ब खुद सुन लेंगे कि किस प्रकार से पवन सिंह जातिवाद का कार्ड खेलता है। तो हम ही बोल देते हैं, भैया आई काम बंद कर दो लोग। तो हमारा कोनो यूट्यूब चैनल या यूट्यूब चैनल से हमारा मतलब नहीं होता है, समझे ना। काम लोगिन बंद कर दे, केहू के परेशान करल, हम बेवजह किसी को उंगली नहीं करते हैं। जब कोई उंगली करता है ना, इतना उंगली करते हैं कि बांस भी आसानी से घुस जाएगा, निकल जाएगा। का हब तू, आपन घर के हब तू,
अब बढ़िया से बोल रहे हैं, उंगली कलल तू बंद कर दे पवन सिंह, आपन गुर्गा के कॉल रिकॉर्डिंग जब वायरल होगा ना, आपन गुर्गा के जरा फोन करके बोल देना कि संतोष रेणु को परेशान नहीं करे, समझा ना। जातिवाद जो खेल रहे हो ना, जातिवाद कार्ड, तो तोरा से हर मैटर में आगे हैं, तोरा से ज्यादा जातिवादियों में, सबसे पहले हम अहिरे हैं, ओकर बाद में हम गायक हैं, ये भी बात हम खुल करके बोले हैं। लुका छिपा के बोलने वाला व्यक्ति संतोष रेणु यादव नहीं है, सबसे पहले मैं अहिर हूं, उसके बाद मैं कलाकार हूं। जिसको प्रॉब्लम है वो नाक रगड़ के मर जाए, मुझे अहिरान होने पे गर्व है। और जहां जहां अहिरो को प्रॉब्लम किया जाएगा, संतोष रेणु खड़ा होगा अहिरो के पक्ष में। क्या बोलते हो कि फेसबुक पे लाइव आता है इसलिए हम स्ट्राइक मारे हैं, है? तब फेसबुक पर लाइव आवल तो हमारे जन्म से अधिकार है, हमारे समाज को सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और मैं बार बार मैं बोलता हूं कि मैं अहिर हूं, ये सबसे पहली बात है, उसके बाद मैं हिंदू हूं या उसके बाद मैं कुछ हूं। तो मैं स्पष्ट में बोल देना चाहता हूं फिर से, रात्रि को 1:30 बजे हमको शौक नहीं था, देख लीजिए आप लोग रात्रि को कितना बजा है, हमको शौक नहीं था, इस समय हम अपना गाना बजाना कार्यक्रम कर रहे थे, हमको शौक नहीं था लाइव आने का इस समय, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, ये बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। अहिनो को तुम कमजोर समझ रहे हो, क्या हमारा वो अहिर मत समझना कि रुपया के चक्कर में बिक जाए वाला अहिर मत समझना हमको। मैं मान से अहिर हूं, स्वाभिमान से अहिर हूं और अभिमान से अहिर हूं, न किसी के स्वभाव में जीता हूं, न किसी के प्रभाव में जीता हूं, न किसी के अभाव में जीता हूं। अपना स्वभाव है, वो स्वभाव का नाम है अहिरपंथी, और प्रभाव दादा श्री कृष्ण का चलता है, उसके अलावा किसी का नहीं। कल कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे, बहुत बढ़िया से अब छेड़े हो ना, हम नहीं चाह रहे थे, हम मैटर शांत हो रहा था, लेकिन ये मादर चोद लोग जो है, ये लोग नहीं चाहता है कि मैटर शांत हो। इस भोंसड़ी वाले लोग को लगता है कि क्या ये लोग किस लेवल तक चढ़ बढ़ करके अहिरों को सताएगा, इसको लगता है कि ऐसा करने से कमजोर पड़ जाएगा संतोष रेणु यादव। अरे मादर चोद, नहीं ना गाली दे रहे थे, गाली नहीं दे रहे थे ना, लेकिन मादर चोद तुम लोग मुंह में उंगली कर रहे हो, रे भोंसड़ी के औलाद मुंह में उंगली कर रहे हो। और इसमें जो है, कल का लाइव में मैं और खुल करके बताऊंगा, अभी तो कुछ चीजें हैं जो और मैं सबूत में रात भर में इकट्ठा कर लूं, और मैं दावे के साथ मैं इस चीज को मैं कह सकता हूं कि मुझे, मैं जेल भी जब गया था ना, तो उसमें पवन सिंह का हाथ था। लोग बोलते थे ना कि मैंने पवन सिंह का नाम ले लिया है, बिल्कुल मैं साबित करूंगा कि पवन सिंह का हाथ था, और उसके टीम का लोग मुझे टॉर्चर किया, उसके टीम का लोग ने साजिश किया, तब जाकर के मेरे ऊपर केस हुआ था, और तब जाकर के मैं जेल गया था। क्या हुआ, जेल गया क्या, न्यायपालिका को तुम खरीद लिए क्या, हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे न्याय दिया ना, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा था, मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का,
और सम्मान अब और बढ़ गया है न्यायपालिका के प्रति मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, क्योंकि तुम मुझे प्रताड़ित कर सकते हो, तुम मुझे साजिश करके फंसा सकते हो, लेकिन न्यायपालिका को खरीद नहीं सकते हो तुम, क्योंकि यही तो हमारा गर्व है। मुझे अपने देश पे, अपने देश के संविधान पे, अपने देश के न्यायपालिका पे मुझे इसीलिए तो गर्व होता है कि कुछ भी हो तुम, लेकिन देश की न्यायपालिका को तुम नहीं खरीद सकते हो। और मुझे देश की न्यायपालिका ने मुझे मेरे विश्वास को और मजबूत किया, मुझे न्याय देने का काम किया, और मैं जेल से बाहर आया ना, मैं आया ना जेल से बाहर, तो उसी तरीके से तुम मेरे यूट्यूब चैनल को संतोष रनू ऑफिशियल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये देख रहा है कि उस पे वो रनिंग में चैनल है, किसी तरीके से करके संतोष रनू को तोड़ दो, ताकि संतोष रनू टूटेगा तो वहीर टूटेगा, तेरी माँ की झाट कवारो बहिन चोत, तो वहीर को तोड़ दोगे तेरी बहन के चोदो, अहिर को तुम तोड़ोगे मादर चोद। जितने तुम्हारी औकात है तुम लगा ले, साले एक चैनल को तुम मारोगे ना 50 चैनल मैं खड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं अहिरो के सपोर्ट में मैं बोलता रहूंगा, अहिरो का मैं पक्ष लेता रहूंगा। तुम इसके लिए मुझे गोली मार दे मादरचोद, चाहे तुम बम से उड़ा दे भोसड़ी की औलाद, लेकिन ओरिजिनल अहिरान का बेटा हूँ, ओरिजिनल श्री कृष्ण का वंशज हूँ, तेरी माँ की चोदो, तुम सोचते हो रे बहन चोद की, चुप हो जाएंगे रे बहन चोद, जातिवाद नहीं करो मैं चुप हो जाऊंगा, जातिवाद नहीं करो, तुम भी अहिरो का सम्मान करो, हम भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन रे बहन चोद, है बहन चोद, हमारा सरकार नहीं है रे बहन चोद, लालू यादव का सरकार नहीं है, तुम सोच रहे हो कि सब अहिरो को तंग करे रे बहन चोद, है सब अहिरो को तंग करे, लालू यादव को जेल भेज दिए, है ऐसे ही तंग करते करते क्या लालू यादव झुक गए, क्या उनका स्वाभिमान झुक गया? मैं भी आदर्श मानता हूँ लालू यादव जी को, और मैं भी उनके पद चिन्ह पे चलता हूँ, दादा श्री कृष्ण के संस्कार पे मैं चलता हूँ, दादा श्री कृष्ण के उपदेश को मानता हूँ। जिसकी जो औकात है तेरी माँ की चोदो, मार तू स्ट्राइक तेरी बहन के चोदो, तहिने छिंदर घट्टी के औलाद, बहन चोद पीछे से वार करता है तेरी माँ की चोदो, औकात है तेरी माँ की चोदो, सीना में सीना टकरा के दिखाओ बहन चोद, सब जान जाएंगे रे बहन चोद कि तुम हो असली मर्द मादर चोद, हैं मादर चोद छक्का कहीं का भोसड़ी के औलाद, साजिश करते हो रे बहन चोद, कर साजिश कर मादर चोद, माई रोज चोदेंगे रे बहन चोद, हैं स्ट्राइक मारोगे रे बहन चोद, मार स्ट्राइक बहन चोद, कल वायरल होगा, कल ऑडियो वायरल करेंगे जो स्ट्राइक मारा है और क्यों मारा है स्ट्राइक, किसके कहने पे मारा है, किसके चलते मारा है, ये सब आप लोग ऑडियो में सुनिएगा, आप लोग ऑडियो में सुनिएगा। मैंने उसको भरदम गाली भी दिया है मादर चोद को, ये लोग चाहता है, ये लोग सोचता है कि संतोष रनू का चैनल उड़ा देंगे तो संतोष रनू का स्वाभिमान टूट जाएगा। बहन चोद चैनल से संतोष रनू है रे, चैनल से है, जिगरा से संतोष रनू है, और अपनो अहिरो के बदौलत संतोष रनू है, संतोष रनू के दिल में, संतोष रनू के जिस्म में एक एक कतरा जो है ना वो अहिरपंथी के रूप में बहता है, दादा श्री कृष्ण के उपदेश, दादा श्री कृष्ण के सिद्धांत के बदौलत में हूँ, मैं अहिरो के बदौलत में हूँ, और मैं ओरिजिनल अहिर हूँ, तेरी माँ की चोदो, जिसको प्रॉब्लम है बहन चोद अपनी माँ चुदाए तेरी माँ की चोदो, कल दिखाता हूँ तुम लोगों को, कल दिखाता हूँ, कल ऑडियो वायरल होगा और तब आप लोग कहिएगा कि आपका भाई आपका बेटा संतोष रेणु यादव जी बोलता है इच्छा कवा को जो बोलता है कि इसने साजिश किया मेरे प्रति, क्या वो साजिश है कि नहीं है, आप लोग देखिएगा। कल मैं ऑडियो में रिलीज करूंगा, कल ऑडियो रिलीज करूंगा, मैं कल मैं ऑडियो रिलीज कर रहा हूं। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात, स्ट्राइक जो मारा गया है उस चैनल पे संतोष रेणु ऑफिशियल पे, कल अहिरान का एक बहुत धांसू गाना छूटने वाला था, कल बहुत धांसू गाना छूटने वाला था, लेकिन स्ट्राइक मार करके ये लोग मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जान रहा है कि संतोष रेणु है, अहिरों को जगा रहा है, अहिर को एकजुट कर रहा है, तो संतोष रेणु का मनोबल तोड़ दो,
अरे बहिन चोद, कितना भी तुम तेरी माँ की चोद, तुम मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करोगे ना मादर चोद, उतने मजबूत होंगे हम, उतने मजबूत होंगे, उतने संगठित होंगे, हर जगह से अब अहिर संगठित होंगे। देख तू कैसे अहिर को संगठित करते हैं कि नहीं करते हैं, और सब अहिर मिल करके फिर से वही दादा सिर का राज चलेगा। रे बहिन चोद तुम लोग, रे बहिन चोद साजिश करते हो, रे बहिन चोद जो जो आगे बढ़ रहा है, जो जो आगे बढ़ने लगता है, ये लोग अच्छा ठुकार था जो करेगा ना उसको ये लोग सपोर्ट करेगा, और जो लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ेगा उसको ये लोग टॉर्चर करेगा। अरे बहिन चोद कितना है रे बहिन चोद, 25% अहिर भी अगर ताक देगा ना बढ़िया से, तो तोर चैनलवा से बढ़िया बढ़िया चैनल रे बहिन चोद एक दिन में खड़ा हो जाएगा रे बहिन चोद एक दिन में। खैर मुझे चैनल फैलन से कोई मतलब नहीं है, कल मैं आप लोग के समक्ष मैं ऑडियो में रिलीज करूंगा, मैं कॉल रिकॉर्डिंग में रिलीज करूंगा, कॉल रिकॉर्डिंग जो इसका गुर्गा से बात हुआ है, जिसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा है, और एक नहीं तीन तीन स्ट्राइक मारा है, जिसमें एक स्ट्राइक वो पवन सिंह के नाम से है, ये मादर चोद पवन सिंह, बहिन चोद तुम्हारे नाम से किसे स्ट्राइक आया रे बहिन चोद, बताओ तेरी माँ की चोद तुम्हारा नाम किसे लिया उरे, बोल बहिन चोद, बहिन चोद मगहिया जवान वाला जो है तेरी माँ की चोद, ऐसे ही ना तुम बोलते हो रे अहिरो को रे बहिन चोद, ऐसे ही ना तुम बोलते हो रे, अब सुन तेरी माँ की चोद, सुन तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा क्या किया है मेरे खिलाफ, क्या साजिश रचा है, कल देखिएगा ऑडियो, कल सुनिएगा, तब आप लोग कहिएगा कि संतोष रेणु झूठ है कि सही है, कल देखिएगा। प्रणाम आप सबको लिए, आप सबको तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, और देखिएगा भाई के साथ, आपके भाई के साथ, आपके बेटा के साथ क्या साजिश हो रहा है, कल देखिए, कल मैं ऑडियो रिलीज करता हूं। आप सबको प्रणाम, आप सभी मेरे ताकत है, आप सब बस ऐसे ही एकजुट रहिए, संगठित रहिए, बस यही मेरी ताकत है, हमारी इच्छा यही है कि समस्त अहिर संगठित रहिए, नहीं तो ये लोग बारी बारी से जो जो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ेगा ये उसको तोड़ने का काम करेगा, तो संगठित रहिए आप सब, लड़ाई लड़ेंगे। प्रणाम आप सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सबका नाम नहीं ले पाए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कल मैं ऑडियो में रिलीज करता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग में वायरल करता हूँ कल। प्रणाम आप सबको।